नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज के अंक में हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण के कुछ विशेष प्रयोग, सावधानियाँ, इन सब के बारे में। आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा मतलब मंगलवार, 16 जुलाई 2019। जी हाँ मित्रों, 16 जुलाई की रात में 1:31 से चंद्र ग्रहण शुरू होगा। जी हाँ, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, 16 जुलाई की रात को, मंगलवार पूर्णिमा के दिन रात को 1:31 से चंद्र ग्रहण शुरू होगा, जिसका मध्य 3:01 पर होगा और मोक्ष होगा 4:30 तक। इसमें कुछ विशेष बातें हैं जो हम लोग अपने जीवन में करते हैं, तो एक बार विचार आया कि अपने सारे दर्शकों को बता देते हैं, अपने सारे मित्रों को बता देते हैं। थोड़ा बहुत लाभ आप लोग चाहें तो इससे ले सकते हैं, और उन माताओं बहनों को जो गर्भावस्था में हैं, उन लोगों के लिए कुछ विशेष जानकारी। तो मित्रों, चंद्र ग्रहण 16 जुलाई को रात में 1:31 से स्टार्ट होगा और 4:30 पर समाप्त होगा, मतलब मोक्ष होगा। तो इस दौरान तो आप सभी लोग सोते हुए रहेंगे, स्वाभाविक सी बात है। जो लोग सिद्धि करना चाहते हैं, मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, पूजा को सिद्ध करना चाहते हैं, वो लोग इस समय का, इस बहुमूल्य समय का समुचित लाभ उठाएं और प्रयोग करें, पूजा करें, पाठ करें। यहाँ पे आपको अनगिनत लाभ होगा, बहुत बड़ा लाभ होता है चंद्र ग्रहण में पूजा पाठ सिद्धि मंत्र साधना का। तो ये हुई ग्रहण की बातें। सबसे बड़ी बात है, इसमें कुछ सावधानियां हैं जो कि आप सबको, हम सबको करनी है। चंद्र ग्रहण में मित्रों 9 घंटे पूर्व सूतक लग जाता है, और सूतक में फिर सारे मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, प्रभु को स्पर्श करना वर्जित हो जाता है। तो हम लोग रात 1 बजे से 9 घंटा पहले, मतलब लगभग 4:30 के आसपास से फिर हम मंदिर और अपने जो घर के देव हैं, जो मूर्तियां हैं, उनका स्पर्श नहीं करेंगे। जो भी पूजा पाठ नित्य कर्म करना होता है वो मानसिक करेंगे, बैठ के करेंगे, लेकिन छूना नहीं है, ज़्यादा बोलना नहीं है, जोर से बोलना नहीं है, और मंदिरों को तो बिल्कुल नहीं छूना है। मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठित देव हैं, उनको, मूर्तियां हैं, उनको हाथ नहीं लगाना है। ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारी माताएं बहनें जो गर्भवती हैं, जो गर्भावस्था में हैं, उनसे विशेष निवेदन रहेगा कि चंद्र ग्रहण के दौरान तो बिल्कुल भी घर से आप बाहर नहीं निकलेगा, आप घर के अंदर ही रहिएगा, और किसी को भी चंद्र ग्रहण नहीं देखना चाहिए, विशेष करके तो जो हमारी माताएं बहनें गर्भवती हैं। जो माताएं हमारे गर्भावस्था में हैं, वो उसी दिन, उस प्रातः पूर्णिमा के दिन 16 जुलाई मंगलवार को गाय का गोबर लेके और पूरे अपने संपूर्ण पेट में उसका एक पतला सा लेप लगाएंगे। जो माताएं गर्भवती हैं वो अपने संपूर्ण पेट में गाय का गोबर लेके पतला सा लेप पूरे पेट में लगाए रखेंगी। जब तक ग्रहण संपूर्ण नहीं हो जाता, मोक्ष नहीं हो जाता, तब तक आप घर के अंदर रहेंगे। और उस दौरान विशेष ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि उस दौरान आप सब चाकू और कोई भी ब्लेड, कोई भी काटने वाली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सब्जियां आपको नहीं काटनी है, कैंची आपको नहीं चलानी है, काटने वाली कोई भी चीज़ों का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। ये चीज़ आपको विशेष ध्यान में रखना है, जो हमारी माताएं बहनें गर्भवती हैं, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे। और आपको चंद्र ग्रहण देखना भी नहीं है कि आप बाहर जाके उसको देख सकते हैं, आप घर से बाहर ना ही निकलें तो बहुत अच्छा रहेगा और उत्तम रहेगा। तो ये थी कुछ जानकारियाँ आप सबके लिए चंद्र ग्रहण के बारे में। चंद्र ग्रहण के समय, आप जब ग्रहण का समय होता है उस समय आप दान जप करेंगे, उसका अभीष्ट लाभ मिलेगा। जब सूतक होता है 9 घंटे पहले, चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले और सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले, उस सूतक में आपको कुछ भी नहीं करना है। और हाँ, जो आपके घर में खाद्य पदार्थ हैं, जो आपको खाने हैं, भोजन है, पानी है, उन सब में आप सबको तुलसी के पत्ते डाल के रखने हैं। वो आपका चाहे संग्रहालय हो, जहाँ पे आप रखते हैं सारा कुछ, स्टोर रूम जो आपका है, जहाँ पे आप सभी चीज़ों का संग्रह करते हैं, दाल चावल कुछ भी, वहाँ पे तुलसी पत्ते डाल के रखेंगे। जो पानी है उसमें भी तुलसी पत्ते डाल के रखेंगे। थोड़ा बहुत पानी अगर आपके पास हो तो उसको, चंद्र ग्रहण शुरू हो गया हो तो जब चंद्र ग्रहण समाप्त होगा तो उस पानी को बदल के आप नया पानी लेकर पियेंगे। लेकिन आपके घर पे बड़ी टंकी रखी हो तो उस पानी को बर्बाद नहीं करना, उसमें पहले से तुलसी पत्ते डाल देने।
आपके सारी खाद्य सामग्री में तुलसी पत्ते डाल देना है। कुसा, तुलसी पत्ते नहीं है तो कुश डाल सकते हैं, जिसको हम कुसा बोलते हैं, उसको भी डाल सकते हैं। इससे वो पूरी तरह से पवित्र रहते हैं और खाने योग्य रहते हैं। और पूरे घर को मित्रों, एक सबसे बड़ा और महा उपाय, उसी पूर्णिमा के दिन आप प्रातः में गाय का गोबर लाइए और पूरे घर को आप गोठ दीजिए। ऐसे गोबर लेना होता है और उसे पूरे घर की दीवारों पर चारों तरफ घुमा के छुआ देना होता है। गोबर छुआते हुए जाना, उसको कहते हैं गोठना। ये प्रक्रिया आप करते हैं तो आप वर्ष भर सांप और जहरीले जीव जंतुओं से आपके घर की रक्षा होती रहेगी। आपके घर में जहरीले सांप जीव जंत नहीं आएंगे। तो मित्रों, कमेंट करिए और दीजिए सुझाव कि वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा प्रयास कैसा रहा। जो हमारे नियमित वीडियो देख रहे हैं उनसे पुनः अनुरोध रहेगा कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए हमारे आने वाले अन्य महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। जब आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे आने वाले वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।